कि मेरा बेटा सबसे काबिल और लायक बेटा, तीनों बेटों सबसे लायक बेटा था, सबसे नेक बेटा था। और इसने गरीबों के साथ क्या सलूक करना है इसने हमें सिखाया। गरीबों के इसने दिल खरीद लिए थे, उनके साथ बैठ के खाना खाता था, उनको अपनी कीमती गाड़ी में बिठाता था। जो लोग अपनी गाड़ी के करीब किसी को ना गुजरने दें वो उनको उन्हीं गंदे कपड़ों के साथ, यहाँ एक पागल रहता है वो मैले कुचैले गंदे कपड़े पेशाब बीच में किया हुआ उसको उठा के और अपनी गाड़ी में बिठाता था। वो सारी सीट ख़राब हो जाती थी लेकिन वो उसको अपनी फैक्ट्री में ले जाता, फिर नाई को बुलाकर उसके बाल कटवाता, उसको नहलाता, उसके कपड़े बदलवाता। इस पूरे गांव में वो पागल सिर्फ एक शक्ल को जानता है और एक नाम को जानता है। वो नाम तो पुकार नहीं सकता था, कहता मियाँ मियाँ मियाँ, ये उस ये सिर्फ एक इस आसिम जमील को वो जानता है जो आज हमसे रुखसत हो गया और यहाँ हम बेबस हैं और अल्लाह की तकदीर पर हम राजी हैं। इस बच्चे ने वो काम किया इलाके में जिसको मैं अपनी तारीफ ना हो जाए, ये अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने इसको अपने पास बुलाया। लेकिन बहुत कम वालदैन को ऐसी औलाद मिलती है, बहुत कम वालदैन को ऐसी औलाद मिलती है, और उसे जवानी में अल्लाह ने बुला लिया। मैं राजी हूँ, मेरा सारा ख़ानदान भी राजी है, लेकिन ये रोना तो मेरे बस में नहीं। और ये मेरा बच्चा ये अल्लाह की मोहब्बत में ऐसे तड़पता था जैसे किसी को कोई ज़ख्म हो जाए और वो तड़पता है। और हम अल्लाह को जानते हैं, मानते हैं, हमारे एहसास में अल्लाह का ताल्लुक शामिल नहीं, हम अकली तौर पर मानते हैं। मेरी 52 साल ज़िंदगी अल्लाह के रास्ते में नेक लोग औलिया कराम उलमाए कराम के साथ गुजरी। मैं बाप होने की वजह से नहीं कह रहा, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, जैसी तड़प इस बच्चे में अल्लाह की मोहब्बत की थी मैंने कभी नहीं देखी। ये दो दो घंटे मुझसे बात करता था और मैं ऐसे बैठ के सुनता रहता था। बोलने वाला कब सुनता है किसी की बात, लेकिन ये अनपढ़ बिल्कुल डिस्लेक्सिया का मरीज़ था, हरूफ की पहचान नहीं थी इस, तो इसलिए ना ये पढ़ा, ना दीन का कुछ पढ़ा, ना दुनिया का कुछ पढ़ा, लेकिन अल्लाह ने इसको अकल फहम और अपनी मोहब्बत ऐसी दी थी कि हमें महसूस होता था कि इसके अंदर उस मोहब्बत की आग है। और अपनी माँ से कहता, माँ दुआ करना मैं मर जाऊँ, मैं अल्लाह से मिलना चाहता हूँ, मैं इस गंदी दुनिया से तंग आ गया हूँ। 30 साल की उम्र में उसने ये कहना शुरू, मैं जाना चाहता हूँ, अगर अल्लाह मुझे कहे कि तुम्हें रहना है या जाना है, एक सेकंड में कहूँगा मुझे तेरे पास आना है, मुझे तेरी मुलाकात का शौक। और मुझसे पूछता, बाबा आगे अल्लाह मिलेगा मुझे, मैंने उससे बड़ी बातें करनी है, मुझसे मिलेगा? मैंने कहा इंशाल्लाह आज तुम मिलोगे अपने अल्लाह से, ज़रूर मिलोगे, तेरी तड़प तेरी तमन्ना रहती थी मैं अल्लाह से मिलूँ। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक आदमी एक देखा है, ये बच्चा जिसके एहसासात में अल्लाह की मोहब्बत थी। एहसासात जैसे हमारे दर्द हमारे एहसास में भी जब शामिल होता है फिर हम हाय हाय करते हैं, और जब तक शामिल नहीं होता तो हम चलते रहते हैं। इस बच्चे को अल्लाह ने अपनी कुदरत से ये ताल्लुक और मोहब्बत अता फरमाई थी। और बस मैं और क्या तारीफ़ करूँ, मेरा तो सीना वैसे ही ज़ख्मी है। ये बहुत आलीशान बच्चा अल्लाह ने मुझे दिया था, मैं अल्लाह की तकदीर पे राजी, उसने उसी का था उसने ले लिया।